एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। हाँ मेरी ननंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रो रही है। का कहना है एक हजारों में धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। साइज बड़ा वाला खिला। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार। जो सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार। कोई परिवार न टूटे बहन का प्यार न रूठे। कोई परिवार पसंद है लाडो का। आदि तुम भी दे दो। कितने भी मन से दे रहा है। देखो अपना दे दी। नहीं तुम्हारे लिए लाडो, तुम्हारे लिए दोनों, तुम्हारे लिए चॉकलेट खाएगी लाडो आज। आदि को भी दीजिए ना, वो आदि बेचारे का मुंह बन गया कि बहन को ही मिल रहा है। वो भी स्कूल जाएगा ना, स्कूल से आके उसको मिलेगा। नहीं नहीं उसको देना पड़ेगा आपको। तुम्हारे में ये पैसा लग प्लीज। इतनी अच्छी बच्ची, वो अपना पैसा भाई को दे रही है। बस 200 पीजे तो लाडो कह रही कि तुम एक ले लो तो हम दोनों का बराबर हो जाएगा। तो आदि कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास दो है ना तो मुझे भी दो मिलेगा। उसके पास 200 है। पापा के पास चेंज नहीं है। अभी स्कूल जाओ, टाइम हो गया इसका। अरे बाबा 7 भागो 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 भागो। चलो चलो अपने 7 बजे का स्कूल है, गेट बन जाता है 6:50 को और 6:47 यहीं पे हो गया है। जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ पानी है ना बॉटल में, इतना सफिशियंट है। बहुत पैसे वाली हो गई है लाडो। ये 200 है बेटा, बहुत है ये। स्कूल तो नहीं लेके जा रहा है ना। स्कूल लेके नहीं जा रहा है ना पैसा। घर पे आके मिल जाएगा पैसा। लेके स्कूल नहीं जाते, टीचर गुस्सा करेगी। बाय। आदि बोला रक्षाबंधन में बेटियां बहुत फायदा उठाती है। देखिए अभी इतना छोटा हो करके वो बहन के थोड़े से कमाई पे उसका इतना नजर है, वो क्या दिल खोल करके देगा भगवान ही जाने। आपको आदि को केला खाएगा। आदि ने अच्छे से खाया नहीं है। दो केला खाएगा वो। एक एक ही है ना, दो बच्चों को भूख लगेगा। बिना खाए पिए राखी बांधते हैं ना, तो आदि कुछ भी नहीं खाया। हड़बड़ी में वही जो एक काजू कतली खाया था, फिर 2 गुलाब जामुन हस्बैंड उसको खिला दिए। अब 1 केला खा करके रहेगा। खुश क्यों हो? क्योंकि मुझे पैसा मिला है। ये देखिए आदि अपना प्रोजेक्ट भूल गया था, जल्दी जाओ लेट हो गया है। अब आदि को स्कूल में एंट्री मिला तो आदि का लक, क्योंकि वो वापस स्कूल से आया अपना प्रोजेक्ट लेने के लिए। मुझे बहुत बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है नेहा, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। नेहा मेरी ननंद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो रो रही है। 3 कॉल आ चुका है सुबह से। शादी से पहले का रक्षाबंधन और शादी के बाद का रक्षाबंधन में बहुत अंतर आ जाता है। जैसे कि अभी ये देखिए लाडो इतनी खुश कि मम्मी मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इसको लेके जाएंगे मार्केटिंग कराने के लिए। इसने लिस्ट बनाया, मुझसे लिखवाया है कि मुझे एक फ्रॉक चाहिए, हेयरबैंड चाहिए, क्लिप चाहिए, नेल पेंट चाहिए और बिंदी चाहिए। तो इसके पापा को बोले कि हम लोग लंच करने के बाद इसका शॉपिंग करा देंगे, क्योंकि फेस्टिवल जो होती है ना बहनों के लिए होती है, बहनों को खुश हमेशा होना चाहिए।
दूसरी ओर मेरी जो ननंद है वो काफी अपसेट है, अपसेट क्या है, वो रो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तीन कॉल से बस आ गए, तो तीन चार दिन से लगातार पूछ रही भाभी मिला आपको कुरियर, मिला। मैं बोली कि इतना ज्यादा मत सोचिए, आ ही जाएगा, इस एड्रेस में सामान आ जाता है। और उनको मैसेज आता है अब कल रात को कि इनसफिशियंट एड्रेस की वजह से वो वापस रिटर्न उनको जा रहा है, ठीक है। और मैं भी अपने भाई को राखी भेजी थी घर पे, तो उसको भी नहीं मिला। और रात को मुझे भी मैसेज आता है कि इनसफिशियंट एड्रेस की वजह से उनको राखी नहीं मिल रहा है, मतलब जो मैं पार्सल भेजी थी वो नहीं मिल रहा, तो वो भी मेरे पास शायद रिटर्न आ जाएगा। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वजह से। तो शादी के बाद का रक्षाबंधन ऐसे ही होता है, और शादी के बाद मैं कभी राखी किसी को नहीं बांधी, किसी को भी नहीं बांधी, ना अपने भाई को बांधी हूँ ना किसी और को आज तक बांधी हूँ। तो मुझे कितना बुरा लगता होगा, मैं क्या मैं कह सकती हूँ, ऐसे ही होता है शादी के बाद, इतने घर से दूर रहते कुछ कर नहीं सकते। हस्बैंड को मैं भेजी हूँ पास के पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद पास के पोस्ट ऑफिस तक पार्सल पहुँच चुका है, और अगर आज वो जाएंगे तो मे बी उनको पार्सल मिल जाएगा, नहीं तो आज वो रिटर्न को चला जाएगा जिस एड्रेस से आया। तो मैं उनको भेजी हूँ, अभी 9:30 बज रहा है, मैं बोली कि देखिए 10 बजे तक ऑफिस खुल जाता है, तुरंत पार्सल रिटर्न को हो जाएगा, शायद पास के पोस्ट ऑफिस में आ गए। मतलब यहाँ पास में ना दो पोस्ट ऑफिस है, एक मानपाड़ा में एक तिलक नगर में है, तो दोनों में से कहीं पे आया होगा ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट लोकेशन वही दिखा रहा है पार्सल पहुंचने का, लेकिन उसके बाद वो यहाँ नहीं आएगा इनसफिशियंट एड्रेस की वजह से, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी इनको भेजूँ, और किस्मत अगर पार्सल मिल गया तो मेरी जो ननंद है बहुत खुश हो जाएगी कि रक्षाबंधन का टाइमिंग चला गया, लेकिन फिर भी अगर राखी पहुंच जाएगा तो मैं हस्बैंड को बोलूंगी कि आप बांध लीजिए, और वो आदि के लिए भी भेजी होगी, तो मैं लाडो को बोलूंगी कि आदि के लिए बांध लेना, और वो मेरे लिए भी राखी भेजी होगी, तो मैं भी बंधवा लूंगी, मेरी भी कलाई खाली है, तो जब भी वो मेरी ननंद कुछ भेजती है ना तो मैं अपनी कलाई में बांध लेती हूँ। अब देखते क्या होता है, तो मैं अभी नाश्ता बना लेती हूँ, तब तक आदि भी स्कूल से आ जाएगा, हस्बैंड भी उम्मीद करती हूँ पास्ता लेकर के आ जाए। बहुत बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, पार्सल पोस्ट ऑफिस में बुलाया डिलीवर होगा। थैंक गॉड, एक बहन इतने प्यार से भेजी है, तो मिल तो जाएगा, शाम तक आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, तो नेहा से बात कर लीजिए। नेहा से बात हो गया मेरा? हो गया ना, क्योंकि आपके जाने के बाद भी 2 बार और कॉल आया। हाँ। सुबह से 5 बार मेरे पास कॉल आ चुका है, इतनी वो परेशान है, कितने प्यार से भेजी और अभी तक आया नहीं। वो एक दिन पहले आता तो बांध देते सुबह सुबह ना। नहीं, तो जब भी आएगा बांध देंगे। हाँ, वो तो मैं नहीं बांधूंगी, लाडो बांध देगी। मेरी गुड़िया कहाँ है? किचन में मेरे साथ खाना बनाइए। आलू बॉयल हो चुका है और ये मिक्सी में मैं चावल दाल पीस दी हूँ, ठीक है, तो इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, अभी बनाऊंगी तो 5 मिनट में बन जाएगा, पर इसको खाएंगे किसके साथ, उसके लिए आलू दम बनाना पड़ेगा। क्या है तो एक काम कीजिए आप, आलू छीलिए, मैं यहाँ मसाला रेडी करती हूँ। चलो मैं आलू छील देता हूँ, ठीक है। ओके, ऐसे मिल बांट के किचन में काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं ना सुबह से ना फोन कॉल पे। बन गया आपका हल्का सब्जी? बन गया, भुजना बाकी है, भुज के पानी डाल के हो गया कम्प्लीट। तो मैं बनाना स्टार्ट करूँ चूल्हा? हाँ, तुम बना, इधर से चालू करो, थोड़ा सा ग्रेवी कितना चाहिए? ग्रेवी चाहिए ना, ग्रेवी के साथ। हाँ, तो भुजा गया थी। हस्बैंड बहन से बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन है ना, फ्रेंड। हाँ ठीक है, जी पे हो गया बहन को। हे गड़बड़ी, लाडो उठ गई। उठते के साथ लिस्ट का बारे में पूछ रही है, मेरा लिस्ट का क्या हुआ? ये सपने में ना वही देख रही थी कि शॉपिंग कर रही है, ड्रेस हेयर बैंड की, सपने में बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही थी। अच्छे टाइम पे लाडो उठ गई, तो हम लोग तीनों साथ में खाएंगे, और आदि आ जाएगा कितने बजे? 12:15 बजे, अभी बज रहा है 11:30, यानी अभी तक कोई नाश्ता पानी नहीं हुआ, हम लोग का लंच यही हो गया। लंच हम लोग का मंचूरियन होना था कि पनीर मंचूरियन और रोटी करेंगे, लेकिन उल्टा काम हो गया, और ये खाने के बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट, लाडो का राखी का शॉपिंग करवा देते हैं। तो नेहा को फोन कर दीजिए, उसको फोन करते हैं। आदि भी आ गया, देखो
बुआ भेजिए ना, तुम देखना चाहता अभी खुद आया पार्सल है, तुम भी आया दोनों हाँ। साथ में ये वाला, ये सारी राखियां हैं, ये तुम्हारे लिए होगा ठीक है, ये मम्मा के लिए राखी है और ये तुम बच्चों के लिए राखी है और पापा के लिए ये बड़ी वाली राखी है। और ये भगवान का है। हाँ ये कृष्ण राधा का राखी है, ये गणेश जी का राखी है, सब छोटी छोटी राखियां तो हमेशा भेजती है। ये अक्षत और रोड़ी है और ये मेरे लिए होगा, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है राखियां। राखियां तो काफी अच्छी अच्छी आई। और ये बोर्ड भी भेजी क्या? हाँ, पहले हाँ? भेजी है। अच्छा ये भी भेजी है, तो क्या करते हैं इसमें लिखते ना, पेज रखे कॉपी रखे लिखते हैं। तो आपके लिए कौन सा राखी होना चाहिए? आई थिंक ये राखी, ये कुछ दिखा, आप ही पसंद कर लीजिए कौन सा राखी होना चाहिए। ये सब बच्चों जैसा लग रहा है, ये भी बच्चों जैसी है। एक राखी ये है, ये यही होगा शायद आपके लिए। हाँ ये राखी सुंदर भी लग रहा है। ठीक है, सुबह हम लोग राखी बांधते हैं क्योंकि वो राखी का मुहूर्त था, हमें लगा नहीं था कि राखी पहुंच पाएगा इसीलिए, और जब पहुंच गया है तो बांधना तो बनता है ना, इतनी बहन से प्यार से फिर दूर भेजिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये राखी मैं खरीदी थी ननंद के नाम पे और लाडू पहना दी थी, तभी नहीं आया था राखी इसीलिए। अब आप यस, अब यहाँ बीच में पकड़ो, यहाँ यहाँ हाथ फिंगर रखो, ओके अब फिंगर रखे रहना, हटाना नहीं फिंगर। हाँ पापा के मुझे वैसे भी बना नहीं आता, सीख लेना बेटा नेक्स्ट ईयर है ना, नेक्स्ट ईयर तुमको सिखा देंगे, तुम खुद फिंगर से बना। नहीं हटाना, हो गया। मुझे भी तो राखी, पापा को मिठाई खिला लाडो, यहाँ पे है मिठाई, ये लो पापा को मिठाई खिलाओ, पापा का फेवरेट है काजू कतली है। मुझे भी आप भी बेटी को खिला दीजिए, उसको भी पसंद है। थैंक यू, मैं खिलाऊंगी ना। तो पूरा आपके मुंह में डालेगी? नहीं, मेरी गुड़िया खाएगी। आके तो चार है ना, और वो कह रही कि चार है तो सब एक एक खाए, भैया को बांधना, अब वो पूरा खाएगी। चला दी, आ जा तू भी बैठ जा। अब आदि तुम राखी पसंद करो कि तुमको कौन सा राखी पसंद है। ये आदि तुम गणेश भगवान वाला पहनोगे? नहीं, मैं फिर कन्हैया जी वाला, मैं कन्हैया जी कन्हैया वाला तो लाडो पसंद की, झगड़ा मत कर लेना। देखो इतनी सारी राखियां हैं, पसंद करो। झगड़ा कर रहा है लाडो, कोई बात नहीं, आज भाई का दिन है ना, तुम कुछ और, इतना सारा राखी कोई और पसंद कर लो। नहीं मुझे ये वाला चाहिए। इतनी सारी राखियां बुआ भेजी है, यही चाहिए। अब ऐसा मुझे भी, मुझे भी यही चाहिए, यही चाहिए। आज राखी का दिन है, आज राखी का दिन है। ये गणेश जी हैं, गिटार बजा रहे हैं, ये सुंदर है ज्यादा। ये देखो टेडी बियर का है, ये तो चूड़ी में बांधते हैं ना, चूड़ी तो पहनेगी नहीं लाडो। ये भी शायद ये राखी कितना सुंदर सुंदर राखी, हाँ ये बांधने का है। अरे ये राखी भी तो अच्छा है, ये आपको पहनना था और ये इसका मैचिंग मैं पहनती। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी ननंद की शादी मारवाड़ी में हुई है और हम लोग तो है बनिया, कल्चर डिफरेंट, इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं छोड़ दे रही हूँ। रक्षाबंधन बेटा, नेहा बच्चों के लिए कुछ भी राखी भेजेगा ना तो दो सिमिलर भेजेगा, अलग अलग नहीं। जैसे कृष्ण भगवान का भेजे दो भेजना था, गणेश भगवान को भेजे दो भेजना था, कि अब ये राखी के लिए मतलब बांधने के लिए कहाँ बैठना था, लेकिन झगड़ा करवाया बंधवाने से पहले। अब कौन किसको बांधने के लिए?
अरे और तुम राखी बांधेगी ना भाई को, बांधो ना चुपचाप राखी। आदि आदि छोड़ देना आदि। लड़की को कौन राखी? सुन एक मिनट, समझाने अगले साल हम समझा रहे ना। मार्केट में अपनी पसंद का राखी देख लेना, जो पसंद। मेरी अच्छी बच्ची कौन है? मैं आदि नहीं। आदि नहीं है ना? अच्छा नहीं। तुम अच्छी है ना मेरी गुड़िया? तुम भी नहीं हो तो तुम भैया को वही राखी बांध दो। ये राखी लो बांध दे तो खाना पीना स्टार्ट करेंगे ना। आदि कुछ नहीं गाया सुबह से। आदि अरे मेरा समझदार बच्चा है, चोट लग जाएगा। सुनो सुनो सुनो, चोट लग जाएगा, चोट लग जाएगा। मेरी गुड़िया को कोई नहीं लूंगा। बेटा को भी कुछ भी मत बोलिए, समझे? हाँ तो मेरा बेटा को भी उंगली दिखा के बात मत कीजिए। रक्षाबंधन उसके लिए भी तो है फेस्टिवल, जैसे इसके लिए वैसे उसके लिए भी तो है। किसकी खुशी देखनी है? दोनों की खुशी देखनी है। किसकी खुशी देखनी है? किसकी खुशी देखनी है? रक्षाबंधन के दिन लोगों को लड़ाई हो गया रोना धोने से। आदि दे रही है तुमको राखी। आदि अरे रक्षाबंधन के दिन बहन को नहीं रुलाते बेटा, देखो तुमको दे रही है ना, ले लो ले लो। फायदा का बात नहीं, चलो लोग शॉपिंग करेंगे। देखो रो रही है आदि, देखो बहन रो रही है बेटा। हम लोग भी भाई बहन लड़ते थे पर रक्षाबंधन के दिन कभी नहीं लड़े जैसे ही लोग दोनों भाई बहन। नेहा कभी भी कुछ भी भेजेगा दोनों बच्चों के लिए सेम भेजेगा। मैं इसीलिए दोनों बच्चों के लिए कुछ लेती ही नहीं हूँ, अगर लेती हूँ तो दोनों को सेम लेती हूँ, लेकिन नहीं लेती हूँ। फेस्टिवल के दिन रो रहा है बच्चा लोग। उसका ब्यास पूछिए। आज के दिन रुला दिया, बत्ती ही खत्म हो गई लोगों झगड़ा में। देखिए जलाओ 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 जलाओ, फिर से नया बत्ती बनाना पड़ेगा। बना लाडो, स्माइल करो भैया बोला स्माइल करने के लिए। पहले स्माइल ठीक कर लो। मेरी माता तो मैं चाहिए था तो तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते? कार्डबोर्ड नहीं नहीं बांधेगी। नहीं मना कर दी क्या? आदि दे दिया तो नहीं बांधेगी। ओके एक काम करो, ये लो टीका लगाओ यहाँ से। हो गया हो गया हो गया लाडो। पैसे वो अच्छा देते, लग पकड़ो चाल पकड़ो। बड़े लोगों को देते हैं? नहीं नहीं ऐसे करते ठीक है। और लाडो ये लो, कृष्ण भगवान। हाँ ये लो पकड़ो ठीक है। आते ये कार्डबोर्ड का है लेकिन उसके बाद तो मैं पहना था, लेकिन मुझे भी ये पहनना, क्या करूँ? हम तो उनको ये पसंद आया तो क्या करे आती। लाडो तुम बैठे, तुम्हारे को मम्मी बांध देगी। आ जाओ बैठ जाओ। आप बस करो महारानी, अभी रोना धोना और नहीं चाहिए, हाथ जोड़ते हैं। कौन सा लाडो को बंधवा दे? ये तो चूड़ी इसके लिए चाहिए ना, ये तो मेरा है। गणेश जी वाला बांधो। इससे से पूछते हैं लाडो ये बांधोगी या गणेश जी बांधोगी? ये वाला बोल दिया, तुम पहनो तो मैं आदि के पास मानूंगी हर चीज। हर चीज आदि की हर चीज मानेगी। तो आदि बोला है कि वो ये गणेश भगवान वाला राखी पहनो, लाइट आएगा। आदि चलो तुम ही बांधो बहन को, चलो बहन तुमको बांधे। इसके सर पे कपड़ा नहीं रखी, कोई बात नहीं। आदि आप बांधो। ये ननंद की तरफ से आया, वो मैं बांध ली हूँ। थैंक यू सो मच नेहा। और झगड़ा हो गया तो मैं क्या बताऊं, देख के मजा आ गया, लगा कि हाँ भाई बहन का त्योहार है, प्यार हर कोई देखता है, लेकिन ऐसा वाला प्यार देखने को बहुत कम लोगों के नसीब होता है। ये ड्रेस लाडो खुद से पसंद की, अपना ड्रेस
वो मुझसे पसंद की है। बोले मम्मी मुझे यही लेना है, टी शर्ट नहीं लेना है, मुझे फ्रॉक लेना है। अब ये ले लिया, अब इसका मैचिंग कलर का हेयर बैंड क्लिप लेना है और उसको पिंक कलर का ही लेना था। मेरी जिंदगी की पूंजी ये मेरा छोटा सा परिवार है, इनकी खुशी मेरी खुशी है। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।